देहरादून के कोतवाली में तीन कारोबारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर एक फर्जी कंपनी खोलने का आरोप है और 24 करोड़ का टैक्स चोरी कर ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया। इस मामले में एसपी क्राइम सर्वेश पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन लोगों ने मिलकर नेश विला रोड के इंदिरा नगर में आयरन स्क्रैप की कंपनी 21 अप्रैल 2022 में खोली थी। इसमें लगभग 8 महीने में इन्होंने सरकार को अपना टर्नओवर 120 करोड़ रुपए दिखाया है और आईटीसी क्लेम किया है। एसपी क्राइम ने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने करीब 25 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है, इसकी जाँच की जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक जो है कल जो हमारा सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट है इनके द्वारा एक कंप्लेंट जो है वो पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके आधार पे 71/23 जो एक क्राइम नंबर है एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसमें बेसिकली तीन लोग हैं, संजय ठाकुर, शाहरुख मोहम्मद और एक हमारा सुनील कुमार। इन लोगों ने बेसिकली हमारे जो देहरादून में ये इंदिरा कॉलोनी नेशविला रोड है यहाँ के एड्रेस पर फर्जी और कूटरचित जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कंपनी बनाई और उन कंपनी के आधार पर इन्होंने बेसिकली अपना बिजनेस दिखाया आयरन स्क्रैप का।